Episode number 1774. Title: Automatic Running Shoes. यदि वे फल वास्तव में पांच एलिमेंटों के अनुरूप हैं, तो अन्य दो फल शायद पहले ही खा लिए गए होंगे, शायद वह व्यक्ति जिसने पेड़ पर लिखा छोड़ दिया हो। ये सही समझ में आता है। फतेह आलूवालिया ने जो कहा उससे समर प्रताप पूरी तरह से सहमत था। यदि शेष फायर एलिमेंट का है तो फायर एलिमेंट वालों के लिए ही उपयोगी है। क्या हम में से कोई है जो उस योग्यता को पूरा करता हो? सब ने एक दूसरे की ओर देखा। ड्रैगन लेडी शेफ ने कहा, अगर कोई इसे लेने नहीं जा रहा है तो मैं ये फल ले लेती हूँ। क्या तुम फायर एलिमेंट की हो? वीर को नहीं पता था कि ड्रैगन लेडी शेफ किस एलिमेंट से संबंधित है, लेकिन अपनी क्षमता के आधार पर उसने निश्चित रूप से फायर का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसकी अत्यधिक संभावना थी। ड्रैगन लेडी शेफ ने अपना सिर हिलाया और बोली, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं इसे खुद नहीं खाऊंगी। अगर फतेह आलूवालिया ने जो कहा वह सच है, तो यह फल एक बेहतरीन सामग्री है। मैं इसे पकाने की कोशिश करूंगी, और अगर मैं सफल रही तो शायद मैं सुपर क्लास भी हासिल कर सकूंगी। वीर ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ड्रैगन लेडी शेफ को उसके द्वारा पकाए गए भोजन की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल खाना पकाने की प्रक्रिया की आवश्यकता थी, और यदि वह वास्तव में सफल हो जाती तो वह दूसरों को भोजन देती। समर प्रताप और अन्य लोगों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उनमें से कोई भी फायर एलिमेंट का नहीं था, और इसके अलावा वे वीर की मदद के कारण यहाँ पहुँचे, इसलिए उनमें से कोई भी फल का हिस्सा नहीं चाहता था। ड्रैगन लेडी शेफ ने देखा कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए उसने एक चाकू और एक बर्तन मंगवाया और उसने लाल फल और शेष आधे पीले फल को काट कर बर्तन में डाल दिया। मैं इसे सफलतापूर्वक पकाने के बाद तुम लोगों के साथ साझा करूंगी, ड्रैगन लेडी शेफ ने उत्साहित होकर कहा। बाकी के किसी भी रेतीले चूहे ने इस आइलैंड तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए। वीर और अन्य इधर उधर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिटिल सिल्वर को उठाया और दूसरों के साथ लिटिल गैलेक्सी पर चढ़ गए। वापसी का रास्ता बहुत जटिल था। लिटिल गैलेक्सी चट्टानों की परतों से होते हुए सीधे ऊपर की ओर दौड़ा और फिर ऊपर जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वीर को एहसास हुआ कि वे अभी भी विंडसॉन डेजर्ट में थे। वह समर प्रताप और फतेह आलूवालिया से पूछना चाहता था कि वे अब कहाँ हैं, क्योंकि वह कुछ और करने से पहले शेल्टर में वापस जाना चाहता था। वीर ने अभी भी क्रिस्टल हील शूज पहनी हुई थी और इसने उसे परेशान कर दिया। वीर कहीं जाना चाहता था और कोई आसपास नहीं था और क्रिस्टल शूज को उतारना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसने लिटिल गैलेक्सी की पीठ पर कदम रखा, उसका बायां पैर आगे की ओर झटक गया। वीर एक तीर की तरह आगे बढ़ा और वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। पलक झपकते ही वो समर प्रताप और अन्य लोगों से पहले ही दूर हो गया था। ऐसा लगा जैसे वीर का पैर उसका नहीं था, उसका पैर पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था, उसके शरीर के बाकी हिस्सों को पीछे खींच रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीर ने खुद को नियंत्रित करने की कितनी कोशिश की, वह उसे रोक नहीं पाया। वह अपनी दिशा या गति को बदलने में भी सक्षम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल हील शूज का अपना दिमाग है और वह रेत के पार तेजी से आगे बढ़ रही थी। डैमेड, ऐसा लग रहा है कि वीर जूते से नियंत्रित हो रहा है। जब समर प्रताप को पता चला कि क्या हो रहा है, तो उसने तुरंत वीर का पीछा करना शुरू कर दिया। लिटिल गैलेक्सी और अन्य भी आगे भागे। हालांकि वीर बहुत तेज दौड़ रहा था, इसलिए समर प्रताप और अन्य लोग उसे पकड़ नहीं पाए और केवल लिटिल गैलेक्सी ही उसका पीछा कर रहा था। लिटिल गैलेक्सी ने अपना शरीर घुमाया और वापस ड्रैगन लेडी शेफ और अन्य लोगों के पास गया। इसने सभी को अपनी पीठ पर बैठने दिया और फिर यह फिर से वीर की ओर भागा। तुम्हें क्या हो रहा है वीर? समर प्रताप चिल्लाया।
वह देखना चाहता था कि क्या वीर के पास अब भी अपनी चेतना है। मैं अब अपने पैर को नियंत्रित नहीं कर सकता, ये क्रिस्टल शूज कर रहा है, वीर ने कहा। वीर का जवाब सुनकर समर प्रताप को राहत महसूस हुई। यह अच्छा था कि वह अब भी होश में था, अन्यथा ये बहुत अधिक परेशानी होगी। डैमिट, फतेह आलूवालिया अचानक चिल्लाया और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। क्या हो रहा है? क्या तुम जानते हो कि वह क्रिस्टल शूज कहां से आया? एक सेयमी ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह क्रिस्टल शूज कहां से आया, लेकिन अगर वह आगे भागता रहा तो वह बहते रेत के टीले में प्रवेश कर जाएगा, फतेह आलूवालिया ने उनके सामने इशारा करते हुए कहा। उस नाम को सुनकर समर प्रताप घबरा गया। हमें अभी वीर को रोकना होगा, हम उसे बहते रेत के टीलों में नहीं गिरने दे सकते। बहते रेत के टीले में क्या है? एक सेयमी ने पूछा। वह जानता था कि सामान्य बहने वाली रेत वीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रेत के टीले में कोई न कोई तो होगा जिसने समर प्रताप और फतेह आलूवालिया को डरा दिया था। ब्लैक हॉर्न ड्रैगन विंडसॉर्न डेजर्ट में सबसे भयानक एलियनों में से एक है। कोई भी एलियन जो रेत के टीले में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश करता है उसे मार दिया जाएगा, और कोई अपवाद नहीं है। हमें संदेह है कि यह एक निडर सुपर एलियन है। तो देर किस बात की, कृपया मुझे अभी रोको। वीर बहुत चिंतित था, वह अभी तक अजेय नहीं था, इसलिए उसके लिए एक निडर सुपर एलियन से लड़ना बहुत जल्दी था। हालांकि उसके पास अपने पैर को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। मेरे पास एक विचार है, एक सेयमी ने कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और आगे की ओर पटक दिया। तलवार की रोशनी का एक निशान वीर के सिर के ऊपर से चमका, फिर उसके सामने एक गली को रेगिस्तान में गिरा दिया। एक सेयमी की शक्ति के कारण गली का अंत एक ऊर्ध्वाधर सैंडस्टोन की दीवार में बदल गया। वीर तुरंत समझ गया कि एक सेयमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और फिर वह सैंडस्टोन की दीवार से टकराते हुए चिल्लाया। पेंग! थोड़ी ही देर बाद वीर सैंडस्टोन से उभरा, अभी भी दौड़ रहा था। उसका चेहरा एक तरह से जख्मी था और उसके पूरे शरीर पर रेत थी। अबे साले, क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? मैं लगभग मारा गया था, एक सेयमी क्षमा प्रार्थी दिखा। मुझे क्षमा करें टीचर, मुझे लगा कि मैं आपको रोक सकता हूँ। यदि तुमने पहले कभी किसी चीज का प्रयास नहीं किया है तो मुझ पर इसका अभ्यास मत करो। वीर बहुत परेशान था। समर प्रताप ने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं तुम्हें रोकने का कोई तरीका नहीं सोच सकता, लेकिन मैं अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे शरीर पर प्रहार करने और तुम्हारी दिशा बदलने के लिए कर सकता हूँ। इस तरह तुम कम से कम बहते रेत के टीले के आसपास तो पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसे अभी करो, जल्दी, वीर चिल्लाया। अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें दाहिनी ओर मोड़ने के लिए पीछे से तुम्हारे बाएं कंधे पर हाथ मारूंगा। रेगिस्तान का दाहिना भाग अधिक सुरक्षित है और यहाँ अधिक शक्तिशाली एलियन नहीं है। समर प्रताप के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वीर को मुक्का मारा। उसने वीर के बाएं कंधे पर चोट की और वीर का शरीर थोड़ा दाहिनी ओर मुड़ गया। मैं सफल हुआ, एक सेकंड के लिए सभी को राहत मिली। हालांकि वीर 180 डिग्री घूम गया। वह मूल रूप से समर प्रताप और अन्य लोगों के दिशा में मून किए हुए था और अब उसका पीठ बहते रेत के टीले की ओर था। अब अचानक वीर ने पीछे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन वह अभी भी बहते रेत के टीलों की ओर दौड़ रहा था। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ था, इसके बजाय वह तेज और तेज होता जा रहा था। समर प्रताप, तुमने अपनी शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया, तुमने मुझे बहुत बदल दिया, वीर ने परेशान होकर कहा। समर प्रताप गंभीर दिखा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया, ये है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा है, अन्यथा
तुम पूरे रास्ते नहीं घूमते। चलो फिर से कोशिश करते हैं, वीर ने अपने दांत भींचते हुए कहा। समर प्रताप ने वीर को फिर से मारा, लेकिन वीर के फिर से मुड़ने के बाद वह अभी भी बहते रेत के टीले की ओर भाग रहा था। समर प्रताप और अन्य लोगों ने बहुत सारे तरीके आजमाए, फिर भी उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे वीर को रोक नहीं सके। वे उसे डायवर्ट भी नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि एक विशाल चुंबक वीर को एक ही दिशा में आगे खींच रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वीर तेज और तेज दौड़ता गया। जैसे ही वह बहते रेत के टीले के करीब आया, वह पहले से ही लिटिल गैलेक्सी और अन्य लोगों से बहुत आगे था। यह इस तरह बेहतर हो सकता है। जब झील में मौजूद बल ने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की, तो मैंने सुपर किंग स्पिरिट मोड का उपयोग करके इससे छुटकारा पा लिया। मुझे यहाँ वही काम करने में सक्षम होना चाहिए। वीर जल्दी ही एक सुपर किंग स्पिरिट बन गया। एक सफेद रोशनी ने वीर की काली आंखों को भर दिया और उसके काले बाल भी सफेद हो गए, लंबे और लंबे होते गए। वीर के दौड़ते ही वह हवा और रेत में लहरा गया, लेकिन वीर के सुपर किंग स्पिरिट मोड में आने के बाद उसे आगे बढ़ाने वाली शक्ति गायब नहीं हुई। इस बार सुपर किंग स्पिरिट मोड ने काम नहीं किया। वीर हैरान और गुस्से में था। ये पहले काम किया था, लेकिन अब काम क्यों नहीं कर रहा है? डैमिट, उसकी पीठ पर तितली के पंख कांप रहे थे और उसका ब्लड थिरस्टी एंट किंग की पावर का यूज करने बावजूद वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अभी भी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसने अपने शरीर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश की, हालांकि कुछ भी काम नहीं आया। वीर अभी भी तेज और तेज दौड़ रहा था और थोड़ी देर बाद वीर बहते रेत के टीलों में गिर गया। डैमिट, ये देखते हुए कि वह कितनी तेजी से दौड़ रहा था, वीर को अब तक रेत के रेतीले टीले में होना चाहिए था। समर प्रताप बहुत चिंतित था। वे अब भी उसका पीछा कर रहे थे, पर अब वे उसे देख भी नहीं सकते थे। कृपया भगवान उसे आशीर्वाद दें। शायद ब्लैक हॉर्न ड्रैगन का घर से दूर कुछ कामा हो और वो अपने एरिया में न हो, फतेह आलूवालिया ने कहा। वे वीर का पीछा नहीं कर सके और अगर वे उसे पकड़ भी लेते तो वे उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते थे। वे केवल मदद के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते थे।